टोपी कौन सा चल रहा था अपना? टोपी का नाम बोलिए, दोबारा बोलिए। बी का मतलब पता आप सभी को? बी का मतलब पता है ना? बी का मतलब बोलिए कितने होते हैं? आपका ध्यान सामने, बोलो बी का मतलब क्या होता है? कोष्ठक कितने होते हैं? पहला कोष्ठक बोलिए, दूसरा बोलिए, तीसरा बोलिए, आपका बोलिए, ठीक है। ये चार कोष्ठक होंगे। बोलो बी के बाद में कौन आता है? ओ का मतलब बोलिए, ओ के बाद में क्या आता है? ओ के बाद में क्या आता है? डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब बोलिए, डी के बाद में एम का मतलब, एम के बाद में ए का मतलब, ए के बाद में एस का मतलब है। क्लियर है यहाँ तक का? टेंथ पेपर की पूरे क्वेश्चन समझा दिया मैंने आपको? टेंथ पेपर समझा दिया ना सबको? आगे क्वेश्चन दोबारा सोल्व किया था आपने? दोबारा करने पर आ रहे कि नहीं आ रहे? यदि अभी भी किसी को दिक्कत आए तो अलग से आके और पूछ सकते हो भाई। टेंथ पेपर में यदि दोबारा दिक्कत आ रही हो आपको तो भी आप दोबारा और पूछ सकते हो एक्स्ट्रा टाइम अलग से, ठीक है? बताया जाएगा, मना नहीं किया जाएगा यदि आपको नहीं आता है तो। अब देखिए इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में तीन चार और करवाता हूँ, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ आज। नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर, कुछ एक दो क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ। स्टार्ट, नोट्स बंद कर दीजिए, नोट्स बंद रखिए, मैं अपने मन से करवा देता हूँ एक दो क्वेश्चन, फिर आप ऐसे करना इसके अंदर लिखे हुए बोर्ड मार्क्स में कुछ तो मैंने टेस्ट पेपर में दे दिए थे और यहाँ पर नोट्स के अंदर 40 क्वेश्चन लिखे हुए बोर्ड मार्क्स के, तो इन 40 क्वेश्चन को आप आज जाके हल करना। कितने क्वेश्चन को? 40। लेकिन टोटल कितने होने चाहिए? 50। अच्छा 40 ये लेना, 10 क्वेश्चन पिछले टॉपिक के ले लेना, तो पूरे 40 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना। फिर आपको जो भी नहीं आएगा वो कल क्लास के अंदर समझा दिया जाएगा, लेकिन एक बार कोशिश करके आ जाना पूरे 40 क्वेश्चन करने की। कर लोगे सभी कोशिश? ठीक है, तो देखो अभी दो तीन क्वेश्चन तो मैं अभी बता देता हूँ, दो क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी कल कराऊंगा आपको। फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। ध्यान देना, 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया प्लस 2 सही 1/3 बराबर 13 सही 5/12। ये समझ लो काफी स्टूडेंट्स में गलत करेंगे। ध्यान देना सर, सभी एक साथ बोलिए, मान किसका चाहिए आपको? एक्स का मान बताना है, तो आपको भिन्न नजर आ रही है क्या? 1, 2 की 3 बराबर के इधर कितनी भिन्न नजर आ रही है? और बराबर के इधर आप ही बताइए, इन तीन भिन्नों को हल करना आता है क्या? मिश्रित भिन्नों को हल करना आता है क्या? तो बाहर की तरफ बताइए कौन कौन जाएगा? अब बताइए बीच में यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा? आगे बता सकते हो आप? तो लिखाइए कौन कौन बचा? और भी कोई बचा हुआ है क्या? बोलो प्लस में अभी कौन बचा है? कौन बचा है? और बराबर में बता दूं क्या? तक समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक्स को तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, फिर एक्स से हटने के बाद जो भी तीन भिन्न बची उन तीन भिन्नों को मैंने एसएल कर लिया। अब बताना सभी, 3 से 2 कितना होता है? 5 से 2 क्या होता है? यहाँ पर तो क्या लिखो गया आप? आगे चिन्ह बोलो, हल करना आता है क्या? ये बताइए इन दो भी नोक हल करोगे तो तरीका बोलिए आधार समान। आधार समान करना आता है क्या? 2 को किससे गुणा करूंगा? ऊपर किससे? 2 से। 2 रे कितना आया? 3 के बटा में क्या आया? 4। आगे बोलो, तक लिख लिया। ये बताइए ये 2 भी हल करनी आती है क्या? एक एक स्टेप को क्या करो आराम से, सबकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, और जब समझा रहा हूँ तो सामने की तरफ लगातार देखते रहा करो, तब भी अच्छी हो जाएगी, है ना? बोलो 3 दिया, बीच में चिन्ह बोलो, 4 एकम 4। बोलो 9 में कितना जुड़ेगा? 9 4 कितना होता है? 13 के बटा में बता सकते हो? बोलो 4 2 12। इधर प्लस कितना आया? 7। प्लस में क्या आया? एस। बराबर बोल दो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आप ही बताइए 13 में 12 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है क्या? भाग जा रहा है तो भाग दे भी दीजिए। बोलो 12 एकम 12। दिखाओ
सात एस एस बारह एकम बारह कितना बच गया एक वापर जाएगा ऊपर पटा में बोलो बारह आगे बोलो एस आगे एस बराबर तेरासी पांच बटा बोलो इससे हल करना आता है क्या हाँ। सात प्लस एक चिन्ह बोलिए मिश्रित बिन के बीच में चिन्ह बोलिए तो सात एक कितना हो गया बोलो कितना आया बोलो बटा बारह प्लस एक्स बराबर तेरासी पांच बटा बारह बोनस विमान किसका चाहिए ये इधर आएगा प्लस की माइनस ठीक है भेजो एक्स बराबर तेरासी पांच बटा अब बताइए एक्स बराबर ध्यान देना एक्स बराबर इस गोल करना आता है क्या तो बोलो बाहर की तरफ भी माइनस और तेरह माइनस आठ चिन्ह बोलिए माइनस की प्लस यहाँ पर कोई सा भी चिन्ह हो यहाँ पर क्या आता है दिखाइए आगे माइनस एक बटा बारह बोलो तेरह में से आठ गया कितना आया बोलो तेरह में आठ गया तो पांच प्लस से आगे कर सकते हो आप पांच में से एक या दो चार क्योंकि आधार क्या रहा है तो एक के बटा में कितना आया चार बटा बारह आ गया तो चार एकम चार और चार भी बारह उधर कितना आया आंसर कितना रहा है तो मैंने हर एक स्टेप लिख के बताइए आप बहुत जल्दी हम कर सकते थे इसे यदि आपकी स्टेप क्लियर है बहुत जल्दी हम कर सकते हो इस तरीके से जल्दी नोट करो सर नोट कीजिए निकले सभी ने एक क्वेश्चन आप खुद कोशिश करना एक क्वेश्चन दे रहा हूं सभी कोशिश करना 222 माइनस एक बटा तीन का 42 प्लस 56 माइनस 8 प्लस 9 बार का चिन्ह रेखा कोष देख मतलब प्लस 108 ये सौ रुपये आंसर कौन ही बोलेगा सब लोग कोशिश करो सभी सही हो गलत हो कोई दिक्कत नहीं है बस करिए सभी आप जितना याद है अप्लाई करो
करिए सभी करिए। कोशिश करी सभी ने, जिनका आंसर है आंसर बोले एक बार, जितना रहा है कैसे किस किस का खड़े करना एक बार, बहुत कम स्टूडेंट्स का है कैसे, ध्यान दे रहा लिखना बंद कर दो सभी, अभी लिखना बंद कर दो, फिर 5-10 लोगों का आंसर आया है, ध्यान देना सभी, अभी बहुत सीखना बाकी है, मतलब आंसर नहीं आया मतलब बहुत सीखना बाकी है, ध्यान देते रहना सभी। पहले तो आप ही बताइए बोर्ड मास का क्रम याद है क्या, सबको याद है, मैंने बहुत बार रिपीट करवाया है, अब सबके याद हो जाना चाहिए, बोलो सबसे पहले कौन आता है, ध्यान सामने सबका और बताइए सबसे पहले कौन आता है, बी का मतलब बोली, बी का मतलब बोलो, कितने होते हैं, पहला बता सकते हो आप, पहला पोस्टर कौन सा होता है, तो आप ही बताइए इसी क्वेश्चन में कहीं पर भी रेखा पोस्टर दिख रहे हैं क्या, दिख रहे रेखा पोस्टर, ऐसे एक एक स्टेप लिया करो और जहाँ पर रेखा पोस्टर दिख रहा है उसे गोले में बंद कर दो, हो गया गोले में बंद, गोले में बंद हो गया क्या, कौन हुआ है, कौन हुआ है, रेखा पोस्टर में कौन कौन आया, बोली सभी, आप बताइए 8 और 9 कितना होता है, 8 और 9 क्या होता है, आप इस गोले में कितना लिख सकते हो, 17 लिखा सकते हो आप, यहाँ पर तो आप लिख दो 17 और बोलो बाकी जगह कुछ बदलेगा कि ऐसे की ऐसे, ठीक है लिखा, रेखा कोष्टक के बाहर कोष्टक कौन सा आया, छोटा, आगे बोलो मंजिला, और आगे बोलो बड़ा, बाकी सब चीजें सेम ऐसे की चाहिए, इधर लिखाओ बोलो जब पहले छोटा कोष्टक प्लस 42 मंजिला कोष्टक का 1/3 बड़ा कोष्टक माइनस 200, आगे समझ में आता था, ठीक है, अब देखो रेखा कोष्टक के बाद में अगला कोष्टक है और दूसरे कोष्टक का नाम बोल दीजिए छोटा कोष्टक, और आप सभी को इस क्वेश्चन में अब ऊपर वाले से मतलब नहीं है, अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, अब इसमें देखो सिर्फ आप ही बताइए इसे क्वेश्चन में आपको कहीं पर छोटा कोष्टक नजर आ रहे हैं क्या, अरे सभी को नजर, तो जहां पर भी छोटा कोष्टक नजर आया उसे गोले में बंद कर दीजिए, ये मैंने गोले में बंद कर दिया, बोलो गोले में क्या क्या दिख रहा है बता सकते हो, क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या दिखा, 56 में 17 घटाना आता है क्या, 56 में 17 गया कितना बचा, तो बोले कितना बचा, गोले में लिख सकता हूँ 39 तो आएगा गोले में और बाकी चीजें ऐसे की ऐसे, ठीक है लिखाऊं, ऐसा आएगा कि मंजिला, आपने छोटे कोष्टक को कर दिया तो मंजिला बाहर था तो मंजिला आ गया, आगे बोलिए इधर भी लिखाऊं, आपके पास नया क्वेश्चन तैयार है, अब ये क्वेश्चन तैयार हो गया नया, आप ही बताइए आप आगे कोष्टक में रेखा कोष्टक छोटा कोष्टक तीसरा नंबर बोल दो, तो क्वेश्चन में कहीं पर आपको मंजिला कोष्टक दिख रहा है क्या, इसमें देख रहे हो क्या, इसमें देख रहे हो, इसमें देख रहे हो, मंजिला पोस्टर दिख गया, गोले में बंद करोगे आप, गोले में बंद किया तो गोले में क्या क्या आया बता दो आप, भैया इसमें कितना जोड़ा जाएगा, 42 और 39 कितना होता है, बोली सभी कितना होता है, ठीक है भाई जोड़ना कठिन तो आप आराम से कर सकते हो धीरे धीरे, ठीक है, तो यहाँ पर तो आ गया 81, ये लिख दिया देखो मैंने 81 तो इस गोले में है और बोलो गोले के बाहर की चीजें बदलेंगी कि ऐसे कि ऐसे, तो 81 के बाहर का चिन्ह बोल दो, यहाँ तक क्लियर है क्या, सबके क्लियर है क्या, ठीक है अब आगे करते हैं, अब बताओ मंजिले के बाद में नंबर आता है किसका, बड़े कोष्टक का,
बड़ा कोष्टक दिख रहा आप सभी को, बड़े कोष्टक को गोले में बंद करोगे तो आप सभी बताना गोले में एक चिन्ह दिखा कि दो चिन्ह, सब बोलो गोले में एक चिन्ह है कि दो चिन्ह है, तो दोनों में एक का है और एक प्लस है, बोलो सभी पहले काको की प्लस को, बोलो काको हल करना आता है क्या? ठीक है, पहले इस गोले को छोटे गोले को हल कर लो पहले, अब बताओ इसे हल करोगे लिखाओ सभी, बोलो तीन दूनी सब, बोलो यहाँ पर कितना आएगा 27, बोले सभी कितना आया 27, ठीक है यहाँ पर तो आ गया 27, बाकी चीजें बदलेंगे कि ऐसे की ऐसे, दिखा दो एक और लाइन, 222 माइनस बड़ा कोष्टक, इसमें क्या लिखोगे 27 के आगे चिन्ह बोलते हैं और बड़ा कोष्टक, बोलो आप अभी इस गोले को हल कर सकते हो क्या? 108 में कितना जोड़ा जाएगा 27, और 108 में 27 जोड़ते हैं तो आता है 135, बोलो कितना आता है 135, अब बताइए 222 में कितना घटाओगे 133, और आपका उत्तर कितना आ जाएगा 47, बस इस तरह से यदि स्टेप वाइज स्टेप चलते हो तो आपका उत्तर गलत नहीं हो सकता, स्टेप वाइज स्टेप नहीं चलोगे तो ही उत्तर गलत आएगा, बातें करने की जरूरत नहीं है, आराम से कार्ड पर ध्यान दो, जल्दी उतारो फिर एक दूसरे और करवा दो, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला भी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले कुछ बोला था मैंने, नोट्स बंद करने के लिए बोला है, आप खोल के बैठे बंद करेंगे, जब नोट्स बंद करने के लिए बोलते हैं 35वां 34वां 22वां, अभी बोला था ना मैंने, कह रहा आपको जो भी न्याय को बताया जाएगा, अभी मैं दो तीन किसी मन से बता रहा हूँ, उसके पहले नहीं पता रहता, जल्दी नोट कीजिए, लिख लिया सभी ने, ठीक है एक दूसरे और कोशिश करके बताइए आप सभी एक बार ध्यान देना, मैंने आपको एक स्टेप कराई होगी, समझ रहे सभी कौन सी स्टेप करवाई थी, 5/3 / 2/3, बोलो इसे हल करना आता है क्या? सबको आता है करना, दिखाइए सभी, 5/3 / 3/2, 3 से 3 उत्तर बोलो, 5/2 कितना आया, 5/2, ठीक है एक स्टेप आप और करके बताइए, फिर एक क्वेश्चन करके बताना जो एग्जाम में पूछा हुआ है, आप बताइए 2/3 / 1/3 / 6/5, ये क्वेश्चन है, बोलो हल कर सकते हो आप, सब कर सकते हो ना, लिखाओगे आप सभी, ठीक है लिखाओ, 2/3 / 1/3 / 3/1, बोलो ऊपर नीचे कटे तो काट सकते हैं क्या, बोलो द्वितीय में 6, उत्तर बोल दो कितना आया, आगे समझ में सभी, ठीक है तो अब देखो अब करना है क्वेश्चन, 4 / 1/3 / 1/43 / 3/10 + 21 / 1/5, इसे सॉल्व करके बताइए आप, सभी करिए,
अच्छा आंसर आप लोग बोले कितना आया? कितना आया? आठ से ही दो बटा तीन। किसका ऐप करेगा ना, अभी बहुत कम कार है, ध्यान देना सर, सभी सामने ध्यान देना, लिखना बंद कर दीजिए, लिखना बंद कर दीजिए सभी। आप पहले बताइए यहाँ पर आपको चिन्ह एक नजर आ रहा है कि एक से ज्यादा? तो बोलना पहला चिन्ह बोलिए, दूसरा यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले पता है किसे हल करेंगे? सबसे पहले बोर्ड मास में कौन आता है? बी। बोर्ड मास में कौन आता है? बी। बी का मतलब क्या होता है? कोष्ठक। और आपको कोष्ठक दिख रहा है क्या? तो कोष्ठक को गोले में बंद कर दीजिए, देखो ये गोले में बंद हो गया। अब आप ही बताइए इसे हल करना आता है क्या? सबको आता है करना? ठीक है, लिखाओ गोले में कौन कौन है। आप बोलो ये अपने साधारण है कि मिश्रित है? किसको बाहर निकालोगे? 21 बाहर आया तो अंदर बता दो कौन कौन बचा? 1/5। और बोलो इन दो भी नोकल करना आता है क्या? सबको आता है ना? ठीक है, बोलो दोनों में हल करेंगे तो पहले आधार क्या किया जाएगा? समान। तो यहाँ पर 5 × 10 और यहाँ पर कितना आएगा? 2। अरे यहाँ पर 2 से गुणा तो ऊपर भी 2 से, ठीक है लिखाओ आप सभी। और बोलो 3 तो कितना होता है? 5। और 5 के बटा में कितना आया? 10। बोलो 5 × 1 5। और 5 × 2 10। बोलो कितना आया? 21। दिखा सकते हो कहाँ पर आएगा? दिखा सकते हो ना कहाँ पर आएगा? कहाँ पर आएगा? बोले में, ठीक है लिखा ना आप सभी, पूरा किसान लिखाओ। ठीक है, ये वाली चीज आ गई। अब आप ही बताइए यहाँ पर भाग आ रहा है तो मिश्रित भिन्न रहेगी कि साधारण? साधारण। और साधारण की मिश्रित? साधारण। साधारण रहेगी, ठीक है। तो लिखा स्टार्ट करिए, बोलो 4 × 3 12 के बटा में कितना आया? एक। आगे भाग का ऐसे कैसे आगे बोलो? एक। याद रख क्यों बदल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको लिखाया हुआ है कि मिश्रित भिन्नों का गुणा या भाग करते हैं तो मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं। यहाँ पर आगे फिर से भाग आया, 21 × 42 से 43 बटा कितना आया? 43 बटा कितना आया? आगे लिखा सकते हो आप? आगे पता है ना, थोड़ी देर पहले समझाया आप लोगों को मैंने, ठीक है लिखा नहीं चार्ट कीजिए। बोलो 43 से 43 अब कोई चीज कैंसिल हो रही है क्या? नहीं। अब नहीं हो रही तो बोलो अंश को अंश से, हर को हर से। सब बोले 13 × 26 और 26 के बटा में 3। 26 में 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो बोलो 3 × 24 बचा कितना? 2। 2 का ऊपर जाएगा और बटा में कितना आया? 3। आंसर बोले कितना आया? कितना आया है? 8 × 2/3। नोट कर लीजिए सर, जल्दी नोट करो सर। सभी ने हाँ, देखो अब एक ही फ्लो करके बताना, देखिए आपकी बार भी आता है कि नहीं आता? क्या आता है? 10 लोगों का आ रहा है, पूरा सा आता है, लिखने से पहले आता है। 3/2 × 11/5 25/44 × 11/5 भाग 33/15 सब सोल्व कीजिए आराम से।
हेल्प मत लेना कोई, अपने मन से करना जितना भी आता है। तीन बटा दो गुणा ग्यारह बटा पांच भाग पच्चीस बटा चौवालीस गुणा ग्यारह बटा पांच भाग तैतीस बटा पंद्रह, ये क्वेश्चन है। करिए सर करिए सर कोशिश। सभी ने सब बता सकते हो कि बात जिन्होंने कर लिया है सामने देखने स्टार्ट कर दो ताकि मुझे पता लगे किस किस का आंसर आ चुका है। जिन्होंने आज कर लिया है जिनका कोई भी आंसर आ चुका है सही हो गलत हो। चलो अब बोल दीजिए आंसर कितना है। एक सही एक बटा पांच। किस किस का ऐड करेगा? ठीक है अभी आधी क्लास का ही आ रहा है, इधर तो बिल्कुल नहीं आ रहा ना। आगे आप ठीक है ध्यान देना सभी, सभी ध्यान देना। बोलो पहला चिन्ह कौन सा नजर आ रहा है? सबका ध्यान सामने। अब बोलिए सभी पहला चिन्ह किसका नजर आ रहा है? आगे बोलिए, फिर बोलिए, आगे बोलिए, फिर बोलिए। सबसे पहले गुणा भाग गुणा भाग या फिर कोष्टक? कोष्टक। सब बोलो किस हल करेंगे? कोष्टक। कोष्टक नजर आ रहा है क्या? ठीक है कोष्टक को गोले में बंद कर दीजिए और अलग से उठा के और ये अपहरण कर लीजिए या तो, और अब करना चाहो तो ये अपहरण कर दीजिए आसानी से हो जाए तो ये अपहरण करिए वरना साइड में ले जाके फिर हल करिए। अब देखो इस हल करते हैं तो बोलो ग्यारह चौकी चौवालीस और पचम पच्चीस। अब क्या क्या बच्चा लिखा सकते हो आप? ठीक है लिखा स्टार्ट कीजिए। आपके पास एक टेप आ गई, आप सभी हाथ खड़े कर दीजिए यहाँ तक किस किस का आ गया था हाथ खड़े करना, यहाँ तक पूरी क्लास का आ गया था। और उसके बाद देखना सिर्फ आपको क्या करना था, ध्यान देना सभी। उसके बाद सिर्फ आपको देखो एक तो गुणा का चिन्ह दिखा होगा, एक चिन्ह दिखा था भाग का। पहले आप ही बताइए पहले गुणा कौन करते हैं कि भाग को? भाग को। और भाग को गोले में बंद कर लीजिए। बोलो भाग एक जगह आया कि दो जगह? एक साथ लगातार आया तो गोले में बंद कर लिया। अब आपको जो गोले में दिख रहा है उसे हल करना, मैंने बताया कि नहीं बताया? आज ही बता दिया तीन चार बार को कम से कम, दिन पढ़ाए तो फिर में बता दिया, ऐसे पूरा गिने ना तो कम से कम आठ दस बार बता दिया है ना, आठ दस बार लगभग बता चुका, उसे ग्यारहवीं बार अब चल रहा होगा और इसके बाद भी आगे और मिलेगा, ऐसे नहीं कि आगे मिलेगा नहीं, आगे भी मिलता रहेगा। बस आप लोगों से जरूरत है कि आप लोग इस चीज को कैच कर सको आप कम से कम ग्यारहवीं बार में, ठीक है? तो ध्यान देना सभी, यहाँ पर गोले में बंद किया और इसे हल किया तो बोलो लिखा है आप सभी मुंह बंद मत रखिए। कई लोग बैठे हैं उस साइड के अंदर लास्ट में, अभी ढंग से मुंह खोना सिखा दूंगा तुम्हारे, मुंह बंद करके बैठे हैं यहाँ पर, ऐसा करने आए हो यहाँ पर क्या के बैठ के क्लास में? जब मैं कहूंगा तभी समझ में आता है, कितनी देर होगी तुम्हारी तरफ देख रही उसके बाद क्या करने आए? मैं सोच रहा हूँ चलो खुद ही स्टार्ट कर दे, बैठे आराम से सही बैठ सीधा हो गया तरीके से। बोले सभी क्या लिखा हुआ है? ठीक है ये चीजें आ गई। अब बोलिए सभी जगह पर चिन्ह किसका रहा है? गुणा। और आप
याद कीजिए, मैंने साधारण भिन्नों का गुणा पढ़ाया है क्या? और जो आपके नोट्स मैंने दिए हैं जिनमें बहुत आसान क्वेश्चन लगते हैं देखने में, यही स्टेप उनमें है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो यही स्टेप उनमें है तो ये आपको हल करने आती है कि नहीं आती? बिना हल करने के लिए मैंने आपको 3-4 बार बोल दिया, ये आता है कि नहीं आता? देखो ये आता है, सबको उत्तर आ गया था, लेकिन इसके आगे ही आया जो पहले पढ़ चुके ना, वही आपको नहीं आया। जो आज पढ़ाया ना, जो अब पढ़ाया, वो तो आपको आ गया, गोड मास गेम तो आ गया आपको, लेकिन जो पहले पढ़ाया उन्हीं में आपको दिक्कत आ रही है अभी भी। इसलिए आप बार बार उन्हें हर एक स्टेप को दोबारा रिपीट करने की कोशिश करो। जो आपका टेस्ट हो चुका है, टेस्ट पेपर को बार बार हल करो, क्योंकि टेस्ट पेपर में हर एक कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो बोलिए आप सभी यहाँ पर, बोलो ऊपर नीचे कटे तो काट सकते हैं क्या? बोलो 11 एकम 11 3 3 से 3 और भी कट रहे हैं क्या? बोलो 5 3 15 2 2 4 अब कट रहे हैं क्या? अब कट रहे हैं क्या? बोलो सभी, मैंने बताया था जब भी न कटे तो अंश को अंश और हर को अंश, 3 2 6 6 के बटा में 5 जा रहे हैं कि नहीं जा रहा? जा रहे कि नहीं जा रहा? बोलो 5 एकम कितना बच गया? बटा में क्या आया? सूत्र बोले कितना आया? 1 से 1 बटा आया कि नहीं? सबको आ गया क्या? तभी नोट कीजिए, फिर एक और करिए। आज बोर्ड मास नियम ही करते हैं, आप में से आधे लोगों को भी बोर्ड मास नहीं आया समझ में, इसलिए अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, वो बोर्ड मास के कर रहे हैं। 10 मिनट फिर कल से स्टार्ट की जाएगी। नोट बस एक ही स्टेप फॉलो करना था। देखिए अब एक क्वेश्चन और करके बताइए सभी, कोशिश करते रहो, सही हो गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, बस कोशिश करते रहो, आप सबको आने लग जाएगा धीरे धीरे। मुंह बंद रखिए, बोलने जरूरत नहीं आपको, 2 सही 1 बटा 2 जब जरूरत होती है तब तो मुंह खुलता नहीं आपका। का 3/4 × 1/2 3/2 + 1/2 / 3/2 इसे सोल्व करिए आराम से, जल्दबाजी मत करना, एक एक स्टेप देखकर एक एक चिन्ह देख के आगे बढ़ते रहिए। कोशिश करते रहिए, सही हो गलत हो कोई दिक्कत नहीं। बता सकते हो आंसर सभी? पहली कोशिश सभी ने, चलो कोशिश कर चुके हो तो अब लिखना बंद करो, पहले सभी लिखना बंद करो। और जिसके जो भी आंसर आ गया है या नहीं आया कोई बात नहीं, और जिनके जो भी आया है वो बोल दीजिए आप। 23/24 क्या बोल रहे हो? 23/24 किस किस के हैं? 23/24
ठीक है अभी उतने ही लोगों के आ रहे हैं, इसके अलावा और भी कोई आंसर आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? एक सही, एक बटा चार, ठीक है। अब समझ रहे हो कितना आता है, ध्यान देना सभी, सभी ध्यान देना। देखो आपको एक चीज बताता हूँ, जिनकी मैथ बहुत वीक होती है ना, उनके सामने चैलेंज होता है ये पढ़ना, तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं मैथ सीखना, कभी मैथ सीखने की कोशिश ही नहीं की और फिर मैथ सीखना स्टार्ट करते हैं कोई उम्मीद के साथ, तो ये पढ़ाना भी एक चैलेंज होता है और पढ़ना भी एक चैलेंज होता है, क्योंकि इनके अंदर एक जगह भी थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई पूरा क्वेश्चन खराब, उत्तर ही पता नहीं क्या हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाता है। तो बहुत ही ज्यादा फोकस करना पड़ता है इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। लेकिन एक चीज ध्यान देना, मुझे पता है मेरे पास इस तरह के स्टूडेंट आते हैं जो हर जगह से उम्मीद छोड़ के, ज्यादातर स्टूडेंट की संख्या यही रहती है, या हर जगह से उम्मीद छोड़ के और लास्ट में फिर सोचते हैं देखिए एक बार यहां पर भी कोशिश कर ले। ज्यादातर लोग मेरे पास ऐसे ही मिले, क्योंकि कोई भी बहुत अच्छे मैथ सीखा है तो बताया सर मैंने वहां पर भी की थी, ये यहाँ पर की थी, इतने साल यहाँ पर कोशिश की, अब आया समझ में, अब सीख गया, ज्यादातर लोग ऐसे मिले। तो ये जो पॉइंट होते हैं इनके अंदर आपको पूरा फोकस करना पड़ता है, और अभी बेच की स्टार्टिंग है तो इतना फोकस नहीं रह पाता। तो आप लोगों को एक चीज बता दूं, इस चैप्टर के बाद में एक चैप्टर आएगा दशमलव के, जिसके अंदर सबसे ज्यादा माथा फोड़ी होने वाली है वो चैप्टर है दशमलव के। इसके बाद जो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है या तो इस चैप्टर में आएगी या दशमलव भिन्न में आएगी। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं शुरुआत के अंदर बहुत आसान चीज बताई जाती है, पता आसान चीज किनको लगती है? जिनको मैथ पहले से थोड़ी बहुत आती है ना, उन लोगों को लगती है। एक बार उनसे पूछो जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती, उनको पूछो आसान चीज क्या है, बेचारो चक्कर आते हैं इनके अंदर कैसे करे, कौन सा चिन्ह पहले आएगा, कहां पर गुणा भाग, इनमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती। और मेरा टारगेट यही रहता है जिनको आता है उनको तो सब सिखा सकते हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आता उनको सिखा के और फिर सिलेक्शन तक पहुंचाना, कोशिश लगातार यही की, जिनको बिल्कुल नहीं आता वो सीखे और फिर वो सिलेक्ट हो, उसके अंदर सबसे ज्यादा मजा आता है, और ऐसे लोगों के लिए लगातार काम किया जा रहा है। तो आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं, अब आपको काफी लोगों को दिक्कत आ रही होगी, यदि आपको 50% भी समझ में आता है दशमलव बिंदु तक, आधा भी आपको समझ में आता है तो आपको बता दिया जाए, ये सारी चीजें आगे आने वाली जो चैप्टर चलेंगे उनमें थोड़ी थोड़ी दोबारा मिलेंगे आपको। तो यदि आपको आधा भी समझ में आ रहा है ना तो काम चल जाएगा बढ़िया वाला, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो चीजें आएंगी वो आसान चीजें आएंगी, आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाली चीजें आएंगी, मैं मानो पढ़ के देख लेना या फिर पूछ सकते हो जो ऑलरेडी पहले बेच रही है उनसे। दिक्कत इन्हीं में आती है कि आपने भी सीखना स्टार्ट किया है, किन लोगों को जो सीखना स्टार्ट किया है उन लोगों को आसान लगता है जिनको पहले से आता है, लेकिन अपने यहाँ पर टारगेट लेके चल रहे हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता उनको बहुत अच्छे लेवल के साथ सिखाने की, ठीक है। तो आपको यदि आधा भी समझ में आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, आगे सब कुछ समझ में आएगा, गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, बस सीखते रहो आप। आपको हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा यहाँ पर, जो भी आएगा हर एक क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करवा दूंगा, लेकिन बस आपको गलत करना है, क्योंकि जब तक गलत नहीं करेंगे तब तक सीख भी नहीं सकते। यदि हर क्वेश्चन में आप सही की उम्मीद रखते हो फिर नहीं कर पाओगे आप, तो कोई बात नहीं, गलत हो रहा है होने देना, कॉन्फिडेंस गिराना मत, क्योंकि बस एक टॉपिक और निकल जाने दो दशमलव बिंदु, किसी तरह से दशमलव बिंदु और पढ़ लो, जोर खूब आएगा, मेहनत खूब करनी पड़ेगी, खूब सारी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन फिर भी किसी तरह से बस थोड़ा बहुत पढ़ने कोशिश करो, फिर देखना चैप्टर चलेंगे आपके सामने। आपको हर चीज इतनी आसानी से समझ में आएगी, और पता है किसकी वजह से? इन चैप्टर की वजह से आपको हर चीज बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएगी। तो देखना आप सभी, आपको एक चिन्ह दिख रहा है का, आपको बताते रहो ना आराम से अच्छे तरीके से, पहले कौन सा चिन्ह आता है फिर कौन सा चिन्ह आता है, आपको खुद को नहीं आ रहा है तो कम से कम यहाँ पर बताने की कोशिश करो अच्छे तरीके से। तो बता रहे सभी, पहले कौन से चिन्ह आया, आगे बोलिए, नजरे सामने नहीं चाहिए, नजरे हटनी नहीं चाहिए, मुंह बंद नहीं रहना चाहिए, ठीक है, आगे बोलिए, आगे बोलिए, आगे बोलिए। पहले भाग ही प्लस ही भाग ही गुणा या का, बोर्ड मास्टर में पहले कौन आता है? बस ऐसे एक एक चीज को पता किया करो और क्या बना दोगे? गोला। और बोलो गोले को हल करना आता है क्या? अब इन चीजों को मत देखिए, पहले इसको देख लीजिए, बोलो ये हल करना आता आप लोगों को? दो दूनी चार, एक पांच बटा, बीच में चीन, आगे बोलो, ऊपर नीचे कट रहा है कि नहीं कट रहा? नहीं कट रहा तो बोलो पांच थी पंद्रह, चार दूनी सब बता दीजिए, यहाँ पर इस गोले में क्या लिखूंगा मैं? पंद्रह। सब बोले क्या लिखूंगा? आगे समझ में आता है?
इसी गोले को हल करने के बाद आगे वाली चीजें बदलेंगे कि ऐसे कि ऐसे करें। स्टार्ट करो, एक बटा दो देखना सभी आप। अब इसको मत देखिए, आप इसको देखिए, बोलो एक दिन कौन सा रहा है? गुणा गुणा भाग प्लस से भाग में सबसे पहले कौन हल होता है? भाग। और भाग एक जगह की दो जगह, तो दोनों जगह को गोले में बंद कर लीजिए। बोलो आपको ये गोला हल करना आता है क्या? आपको ये गोला हल करना आता है क्या? इसको हल करो, इसमें उत्तर रखो, इसको हल करो, इसमें उत्तर रखो। तो पहले इसे हल करते हैं, बता सकते हो आप सभी? इसे हल करना बता सकते हो क्या? ठीक है, लिखाइए। आप इस गोले को लिखाओ, एक बटा दो गुणा दो बटा तीन, दो से दो कैंसिल, कितना आया? एक बटा तीन। लिखा सकते हो आप? हाँ। ठीक है, बोलो एक, आपके घर की तरफ पीछे लिखो, पंद्रह बटा आठ गुणा एक बटा दो एक बटा तीन प्लस करेगा, एक बटा दो गुणा दो बटा तीन, दो से दो कैंसिल, कितना बचा? एक बटा तीन। किसे हल करा सकता है पता? पहले किसको हल करेगा? इसको तीन से ये तीन, तीन से ये पंद्रह, पहले गुणनफल करेगा। ठीक है, बैठे सबके साथ ही बोल रहे थे, मेरी इच्छा थी अकेले बोलने की ना। बताइए या तक समझ में आया कि नहीं आया? सबको आगे समझ में? ठीक है, अब बताइए एक दिन आ रहा है गुणा और एक दिन कौन सा रहा है? अब बता आप में से कई लोगों को क्या लगता है? आधार समान दो बटा तीन, कई लोगों से तो ये कंट्रोल नहीं होगा। कई लोगों ने पहले इसे हल किया होगा पक्का है, किस किसने हल किया आप कर देना। पहले इसको हल किस किसने किया है? एक दो तीन चार पाँच छह, ठीक है सात, सात लोगों ने पहले इसे किया। पता है क्यों? क्योंकि हम आधार समान बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, और जब ट्यूशन में सामने आता है तो फिर कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, अब ये आता है तो पहले ये हल कर दो, गुणा वगैरह कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि आधार क्या है? समान। ये अपने कई बार बोल लिया, इसलिए तुरंत ये हल कर देते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे जब खुद पर कंट्रोल रखना आ जाएगा, एक जगह पर फोकस रखना और सीख जाएंगे, तब सब चीजें क्लियर है, सोचने समझने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी आप लोगों की। तो बताइए सभी, पहले गुणा की ब्लेसिंग, चाहे कितने भी आसान स्टेप हो चलेंगे फोर मास से ही, तो पहले गुणनफल करेंगे। बोलो इसे हल करना आता है क्या? बोलो तीन पंजे पंद्रह, गोले में क्या बचा? इनसे बोलो पांच बटे आठ के आगे चिन्ह दिखा है क्या? उनसा है एक बटा तीन, और बोलो इस पिन को हल करना आता आपको? आता है कि नहीं आता? आपको आता है ना? है आप लोगों को? ठीक है, तो बताना पांच तीन पंद्रह, आठ एकम आठ, पंद्रह में क्या जोड़ोगे? पंद्रह आठ कितना हुआ? और बटा में कितना आया? उत्तर कितना आया? बोला है कि नहीं आया? सबको आगे समझ में आधा भी समझ में आता है तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसी टॉपिक में आएगी और दशमलव में आएगी। बेटा दिस आप एक और करके बताओगे आप? ठीक है, एक और कोशिश करोगे आप? एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब सॉल्व करना। तीन से ही एक बटा चार माइनस चार बटा पांच का पांच बटा छह, ये तो आना चाहिए आप सबको लगभग। आराम से करना ना, धीरे धीरे जल्दबाजी मत करना। Thank you.
कर लिया सभी ने? सबको आ गया? आंसर बोलिया दो सही सात बटे किस किस पे हाथ खड़े कर? ठीक है, अब की बार बहुत सारे हाथ खड़े हो गए ना। हाँ, ध्यान देना सभी, सभी ध्यान देना। जैसे अब ये समझ में आने लग गए, वैसे बड़े क्वेश्चन भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे। पहले आप ये बताइए, पहले काको हल करूं कि माइनस को? काको। और काको कोने में बंद करके हल करना आता है क्या? हाँ। सभी कर सकते हो आप? हाँ। सामने देखो, कॉपी में नहीं, यहाँ पर देखो और यहाँ पे हल कराओ। इसमें तो कर ही होगा आपने। हाँ। आपको लिखाइए सभी अब। आगे चिन्ह बोलिए माइनस, आगे बोलो तीन। और बोलो इसे हल करना आता है क्या? आपको आता है ना? ठीक है, बाहर की तरफ किसे लेंगे बता सकते हो आप? अब आप में से कई लोगों ने ये भी किया होगा, चार तीन बारह, बारह एक तेरह, तेरह बटा चार, तो भी तरीका सही है, गलत नहीं है। ध्यान देना, तरीका तो भी सही है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक मेथड बता रखा है, तो आप अभी चाहे टाइम उसमें ज्यादा लगे लेकिन आप वही अप्लाई करो, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन में वही तरीका लगेगा और टाइम बचाएगा, तो आपको पहले वो मेथड ही आना चाहिए। और बाहर की तरफ किसे निकालोगे? तीन को बाहर निकाला, यहाँ पर चिन्ह बोलिए अंदर लिखाओ एक बटा चार माइनस दो बटा तीन। और बोलिए इस दिन कॉल करना आता है क्या? सबको आता है ना? ठीक है, लिखाओ तीन प्लस एक और बोलना सही, बोलो तीन एक कम चार दूनी आठ और चार तीन बारह। आगे लिखा सकते हो आप? बोलो यहाँ पर तीन है, आगे चिन्ह है प्लस का, आठ में से तीन गया तो कितना बचेगा? और पांच प्लस का कि माइनस का? अरे पांच प्लस का कि माइनस का? और बटा में कितना आया? बारह। अब बताइए प्लस को किससे गुणा करेंगे? माइनस से। चलो बताना सभी, यदि प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो चिन्ह किसका आता है? प्लस को माइनस से गुणा करें तो माइनस को माइनस से करें तो बोलो प्लस को किससे गुणा? माइनस से। दिखा सकते हो आप? ठीक है, बोलो तीन माइनस पांच बटा बारह। और याद करो, मैंने गठाना बताया था क्या? दिन वाले चैप्टर में गठाना सिखाया है क्या? ठीक है, एक बार वापस रिपीट करवा रहा हूँ, ध्यान देना। एक माइनस दो बटा तीन, बोलो इसका उत्तर आया कि नहीं आया? तीन में से कितना कटाओगे? दो। कितना आया? एक। एक के बटा में तीन, उत्तर बोल दो कितना आया? एक बटा तीन, एक बटा तीन ही आएगा ना? ठीक है, एक और बताना, एक माइनस पांच बटा सात उत्तर आया कि नहीं आया? सभी याद करो, पढ़ाया था मैंने। उत्तर बोलिए सभी, से बोलिए। ठीक है, एक और बताइए आप सभी, एक में से कटाने वाला जो भी तरीका बताया सब बताते रहो, पंद्रह बटा उन्नीस, बोलो उत्तर आया कि नहीं आया? सबका आ गया क्या? उत्तर बोलिए चार बटे उन्नीस। एक और बता दीजिए, इकतीस बटा सैतीस, बोलो आया कि नहीं आया? सबका आ गया क्या? आंसर बोलिए। बोलो कितने में से कटाना सीखा आपने? ये मैं आपको पहले बता चुका, लेकिन अभी एक में से न बोले, ये दो में से कटाए, तो आप दो में से भी कटा सकते हो क्या? बोलो काम दो का है कि एक का है? एक का। यहाँ से एक चला गया तो कितना बच गया? एक। और अब एक जाके इसे कटा के आ जाएगा, उत्तर बोल दो दो बटा सात। उत्तर बोलो, पूरा उत्तर बोलो। आया कि नहीं समझ? पहले पढ़ा चुका, वही रिपीट करवा रहा हूँ, एक और देख लो एग्जाम्पल, ध्यान देना सभी। पांच माइनस ग्यारह बटा बारह, आप ही बताइए, कटाने का काम जोड़ने का नहीं है, कटाने का काम पांच का है कि एक का ही है? यहाँ पर कितना आया? पांच है, कितना? पांच। बचेगा कितना? चार। और एक जाके और कटा दिया, बोलो बारह में ग्यारह गया तो एक, और बटा में बारह, उत्तर बोलो कितना आया? इसी तरह इसका उत्तर आया कि नहीं आया? क्या एक नहीं आया? काम तीन का है कि दो का ही? काम तीन का है कि दो का? दो का ही तो यहाँ पर, ठीक है, एक का काम कितने का है? एक का। बचेगा कितना? दो। दो बच गया, अब एक ही यहाँ पर आया, बारह में से कितना कटाओगे? पांच। कितना बचा? सात। सात के बटा में बारह, उत्तर बोल दो कितना आया? दो से सात बटा बारह।
आया कि नहीं आया, नजरे सामने। अभी मान लो हो सकता है आप ये मेथड भूल गए हो, जो मैंने कठिनाई वाला बताया, मान लो आप भूल गए तो समझना फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। बोलो 12 30 36, बीच में चिन्ह माइनस, 5 एकम 5, 12 एकम 12, 36 में 5 गया तो 31, बटा में कितना आया 12। बोलो 12 दूनी 24, 24 में 31 लाना है, कितना बचा 7, और बटा में कितना आया 12। उत्तर बोलो कितना आया 2 3 7। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इससे करो चाहे वो मेथड लगाओ, वो मेथड याद रहता है टाइम बच जाएगा, वो मेथड याद नहीं रहता पूरी दिन फल कड़े ना, उत्तर यही आएगा। बोलो सबके क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ढंग से बोलो, हो गया सभी के क्लियर, करके बताओ गया ठीक है, बताओ सभी।